टेक्नोलॉजी है कि हम ऐसे टीम को हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके ऐसे टीम हम बना सकते हैं। अगर ऐसे टीम बना के हम मैनेज करें, अगर सब इसको एक वो बनाएं कि भाई हमको एक इंस्टीट्यूशन कायम करना है स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, तो ये टीम कल एक यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर सकते हैं। हम ऑलवेज गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, किसी दूसरे को ब्लेम करते हैं, लेकिन हम अपने तरफ एक बार देखना चाहिए कि व्हाट वी हैव डन। आप रूरल की रूरल में आप कह सकते हैं कि रूरल में गवर्नमेंट ने नहीं किया, रूरल में इंटेलेक्चुअल लोग नहीं है, लेकिन दिल्ली जैसे सिटी में है 1.5-2 लाख जहाँ है। अगर हम कहते हैं, उस दिन भी हम कुछ अलीगढ़ के सीनियर लोगों से हमारा हुआ है, हमने यही फॉर्मूला कहा था कि भाई 50,000 को आप टारगेट करिए। उसका उन लोगों ने कहा कि हमारे पास डाटाबेस भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। हमने कहा 50,000 को लोगों को ये एक मैसेज दीजिए, एक टीम बना के आइडियल कुछ लोगों को एक टीम बनाए और सबको कहे भाई 50,000 लोग, हम लोग मिनिमम 10,000 कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो 50 करोड़ हो गया। आप कल से एक यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर लीजिए, कल से एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्कूल स्टार्ट कर लीजिए। 50 करोड़ इज सफिशियंट टू स्टार्ट ए इंटरनेशनल स्कूल। आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्कूल को आप नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में आप उसको कन्वर्ट करिए इंटरनेशनल सर से, यदि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो अगर काम करना अगर कोई चाहे तो वो बहुत आसान है। इसमें तो ऐसे अलीगढ़ के ऐसे भी से लुक निकल जाएंगे कि हम 10,000 की बात कर रहे हैं, वो 2 लाख दे देगा, 1 करोड़ दे देगा, 50 लाख दे देगा, लेकिन उसको एक के टीम बना के आगे बढ़ने के लिए कुछ लोग आगे बढ़ना चाहिए, उन लोगों को कुर्बानी देना चाहिए कि हम इस काम के लिए असाइनमेंट पर तैयार है। हमने इन लोगों को यही कहा कि भाई ऑल दो आई एम इन गुवाहाटी, आई एम एसोसिएटेड विथ माई एक्टिविटीज इन नॉर्थ ईस्ट, बट एनी काइंड ऑफ असाइनमेंट्स, एनी काइंड ऑफ सच काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटरी प्रिपरेशन दिस एंड दैट प्रोजेक्ट आई विल कम रश टू दिल्ली, हमको भी इस्तेमाल करिए। और हम तो चाहते हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान को सर्विस देने के लिए नॉर्थ ईस्ट में एक यूनिवर्सिटी सफिशियंट नहीं है, वो एक कैपिटल के आसपास होना चाहिए, दिल्ली में होना चाहिए, आसपास होना चाहिए, ताकि पूरे इंडिया को वो सर्व कर सके। इसलिए हमारा हिंदुस्तान का कैपिटल तो दिल्ली है, तो यहाँ इसमें आसपास होना चाहिए। आज दिल्ली का कोई बच्चा नॉर्थ ईस्ट में इतना इजीली पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का बच्चा दिल्ली में आराम से आ जाएगा। उसके हर काइंड सारे अपॉर्चुनिटीज यहाँ अवेलेबल है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, ये गेटवे ऑफ अदर ऑल कंट्रीज है, यहाँ से आराम से कोई लड़का बाहर जा सकता है हायर एजुकेशन के लिए। तो यही कहा, कुछ लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ सेशंस हो, कुछ डिस्कशंस हो, कुछ जो हमारे कौम के सरपरस लोग हैं ये लोग बैठे और इमीडिएटली उसका कुछ टीम बनाए ताकि हम इसको इस काम को आगे बढ़ा सकें। मबूल हक साहब, ये हमने देखा है कि पिछले 50 साल में या आज़ादी के पहले की बात को जाने दिया, आज़ादी के बाद एक महबूबुल हक अलीगढ़ से निकल कर आया है। क्या कुछ ख़राबी उस अलीगढ़ के अंदर है कि हज़ारों स्टूडेंट निकल रहे हैं लेकिन किसी के अंदर एक विजनरी कंसेप्ट एजुकेशन बढ़ाने के लिए नहीं? नहीं, देखिए हम तो यही कहते हैं कि टीचर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। आज हम पर्सनली हम स्टूडेंट्स से जब इंटरेक्शन करते हैं तो हम स्टूडेंट्स को यही समझाते हैं कि भाई सिर्फ नौकरी की चिंता मत करो, नौकरी तो एक शेडो है। आदमी के पास कैपेबिलिटी है तो एक नौकरी क्यों आएगा, 10 अपॉइंटमेंट। हम जब अलीगढ़ से पास हुए थे तो हमारे पास 10-15 अपॉइंटमेंट हमारे पास था, 10-15 अपॉर्चुनिटीज हमारे पास था, हमने एक भी अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं किया है। आज हमारे पास 650 लोगों को हमने अपॉर्चुनिटी दिया है। हम तो किराए पे घर में रहते हैं अभी भी, 2002 में जो किराया लिया था, हमारे यहाँ नौकरी करके बहुत लोगों ने RCC बिल्डिंग बना लिया। तो ये तो वहाँ एक वो जो एनवायरमेंट की भी हम कहते हैं कि वो एनवायरमेंट भी वहाँ नहीं है कि एक सर सैयद एक विजनरी है, सर सैयद के विजन को हमको कंटिन्यू करना चाहिए, इस टाइप का माहौल हमने देखा नहीं है। अब हमको पता नहीं, हमारा दिल में एक ख्वाहिश था और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस आई बने IIT IIM सब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन अलीगढ़ में रहते वक्त भी हमने विजिट कर लिया, दिल्ली IIT, बॉम्बे IIT, JNU, जामिया मिलिया, सारे इंस्टीट्यूशन हमें अलीगढ़ 7 साल में जब फुर्सत मिला तो हम इंस्टीट्यूट को विजिट किया। लेकिन जो सार सैयद का जो विजन था और जिस लाइन से वहाँ मासेस को बेनिफिट हो रहा था वो किसी दूसरे यूनिवर्सिटी वो बेनिफिट नहीं दे पाया। तो लेकिन अफसोस की बात यही है कि उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाया, उसको कॉपी नहीं कर पाया, उसको जो स्प्रेड करना चाहिए था वो स्प्रेड नहीं कर पाया। तो इसलिए अभी भी मौका है कि लोग आगे बढ़ें, उसको स्ट्रीमलाइन करें और स्टार्ट करें। ये ना सोचे कि हम रूम वॉज नॉट बिल्ड इन इंडिया, हम स्टार्ट करेंगे और कल हो जाएगा। बट कुछ लोग आगे बढ़ना चाहिए और उसको आगे बढ़ने से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि उनके जहन में ऐसी बात है जो आगे बढ़ जाएंगे और इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। महबूब साहब, आप खुद क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते हैं? आप देख रहे हैं कि आप 2 लाख लोग रह रहे हैं अलीगढ़ के, लेकिन शायद ये इस शहर की पॉलिटिक्स है या शाइनिंग लाइफ है, चमकती हुई कारें हैं,
कि लोग वो विजन को भूल चुके हैं, आप खुद आकर क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते? हम तो यही कहेंगे कि हमको इस्तेमाल करें, इसलिए कि हमारा सारा इनिशिएटिव नया है, हमारा यूनिवर्सिटी नया है, एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। आज हम इतने अलीगढ़ियन हैं, सब दिल्ली बेस्ड है, आप वहाँ आसाम में नॉर्थ ईस्ट में सब मिला के कितने लोग हैं, उनको भी बेचारा को बहुत सारे प्रोग्राम में हमने इन्वाइट किया, वो नहीं आते, कभी भी नहीं आते। तो आई एम वर्किंग अलोन। आज हम चाहते हैं कि भाई, हम ये चाहते हैं कि अलीगढ़ के लोग हमारे यहाँ आए, हमारा यूनिवर्सिटी को भी प्रमोट करें, उसको एक सर सैयद का एक दूसरा अपना जगह बनाए, कि ये सर सैयद का एक किसी ने कुछ आइडिया लिया था, वहाँ एक दूसरा यूनिवर्सिटी बना, कोई हर स्टेट में एक यूनिवर्सिटी बने, स्पेशली यूपी, बिहार, ये राजस्थान, ये सब सारे स्टेट एजुकेशन ही बहुत बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। और हम अगर स्टेटिस्टिक्स अगर लाते हैं तो एजुकेशनली बहुत पीछे पड़े हुए हैं, कोई इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस आज तक हमने एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। और कल भी एक प्रोग्राम में कि 50% से अबार हायर एजुकेशन का इंडिया का प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की वजह से हुआ है, जो ग्रॉस एनरोलमेंट बढ़ा है, हायर एजुकेशन जो कंट्रीब्यूशन हुआ प्राइवेट पार्टिसिपेशन से हुआ है। लेकिन हमारा स्टेक होल्डर जो फाइनेंशियली साउंड पीपल है, जिसके पास है, वो इस फील्ड में अभी तक नहीं उतरे, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में उसका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, इंस्टीट्यूट्स है, एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट। ठीक है, उन लोगों का कुछ कमर्शियल बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, लेकिन बच्चों को तो एक मौका मिला पढ़ने का। हाँ, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये काम को शुरू सही से नहीं किया है। तो हम कहते हैं कि ये लोग नॉर्थ इंडिया के लोग इतने बड़े बड़े इंटेलिजेंट, इतने बड़े बड़े उहदे में हैं, वो लोग जल्दी आगे बढ़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ईआरडी फाउंडेशन है, हमारा यूनिवर्सिटी है, उस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल ओपन है, उसको एक्सपर्टाइज को यूज़ करने के लिए आई एम रेडी फॉर। एक आखिरी सवाल महमूद हक साहब, सिर्फ आपके आसाम या फिर मेघालय नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में विमेन एजुकेशन का रेशियो जो है मेल से बहुत नीचे है, विमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आपने क्या किया है? देखिए, आज अभी जब यूनिवर्सिटी की बात हो रहा है कि इंस्टीट्यूशन की बात हो रहा है, हमारे जहन में है इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 ईयर्स में अगर हम अपना यूनिवर्सिटी को स्ट्रीमलाइन कर पाते हैं, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है, इफ़ आई एम स्टार्टिंग एनी अदर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन नॉर्थ ईस्ट, देयर विल बी ए वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन माई एरिया, दैट इज़ कॉल्ड कछाड़, सिलचर, करीमगंज, 3 डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ। और वहाँ मुस्लिम औरतें बहुत प्रदानशी होते हैं, वो हायर एजुकेशन के लिए कोई ऐसे माहौल नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट विजन है कि वुमेन्स यूनिवर्सिटी भी होना चाहिए, ताकि हमारा सारे औरतें हायर एजुकेशन में आ जाए। कभी कभी ये सोचते हैं कि भाई हायर एजुकेशन में जाने का मतलब नौकरी करना है, ये भी दूसरा गलतफहमी है कि हमारा औरत घर में प्रदानशी हो और हाईली क्वालिफाइड हो, उसका इम्पेक्ट बच्चों के ऊपर पड़ेगा, वो पूरा फैमिली एजुकेटेड हो जाएंगे। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं बेचते पढ़ने के लिए, बोले उसको नौकरी तो करना नहीं है। तो हमने यही कि एक ही मकसद बना लिया कि पढ़ने का मतलब नौकरी करना है, पढ़ने का मतलब तो नौकरी नहीं है, ये हमारे फिलोसफी में नहीं है कि पढ़ने का मतलब नौकरी करना है। बिल्कुल। हाँ, तो वुमेन्स एजुकेशन के लिए ये भी ज़रूरी है कि हर जगह कुछ वुमेन्स कॉलेज हो, स्पेशली उन लोगों के लिए फैसिलिटी हो, उनके लिए कोर्स को डिज़ाइन किया जाए। और हमारे अभी इस बार अभी जैसे सिद्दीकी साहब गए थे हमारे आसाम में, हमने एक कॉलेज का ऑलरेडी फाउंडेशन डाल दिया वुमेन्स कॉलेज का, जिसमें हम उसमें कुछ वुमेन्स रिलेटेड जो एजुकेशनल एस्पेक्ट्स है उसको हमने फर्स्ट स्टेप में किया है। और सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि वुमेन्स के अंदर अगर टीचर, अच्छा टीचर हमने नहीं बना पाया, तो कम्युनिटी को इतना इजीली आप वो नहीं कर सकते। उसलिए कि वुमेन्स जैसे टीचिंग में इतना कंसंट्रेट करते हैं और जो एक्सेलेंस अचीव कर सकते हैं कम टाइम में, वो मेल नहीं कर सकते। तो इसलिए वुमेन्स के अंदर अच्छा क्वालिफाइड टीचर पैदा करना ज़रूरी है, उसलिए कि वुमेन्स के लिए डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन भी होना है, ताकि वो पूरा फैमिली को गाइड कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया।